तो पकौड़े बनाने के लिए हमने 4 बड़े प्याज ले लिए हैं, इनको लंबा काट लिया है धोकर, और 2 हमने बड़े आलू ले लिया है, इसको भी हमने ब्रीक काट लिया है। सबसे पहले लेंगे हम 2 या 3 बड़ी कड़छी बेसन के, उसमें डालेंगे प्याज और आलू, 4 हरी मिर्च लेंगे करारे बनाने के लिए, आधा चम्मच रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच नमक। अब इसमें हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हाथ से ही पेस्ट बनाना है, अच्छी तरह से इसको पेस्ट बना लेंगे। अगर हमें लगे कि बेसन थोड़ा कम है तो हम और भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा बेसन और डाल लेते हैं ताकि अच्छी तरह से ये आलू और प्याज है कोट हो जाए। तो पेस्ट अब अच्छी तरह से इसको सेट होने के लिए 2 मिनट के लिए रख देंगे, तब तक हम कढ़ाई में तेल गर्म करेंगे। तो जब तक बैटर सेट होता है तब तक हम सरसों का तेल है गर्म कर लेंगे। सरसों के तेल में पकौड़े का टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है, रिफाइंड में उतनी बात नहीं बनती है। तो इस तरह से मैंने सरसों का तेल पैन में गर्म होने के लिए रख दिया है। तो अगर बारिश में पकौड़े बन रहे हैं तो चाय भी डेफिनेटली साथ बनेगी गर्मा गर्म। तो उसके लिए मैंने 1 गिलास पानी ले लिया है, इसको बॉयल होने के लिए रखेंगे। गर्म हो चुका है, अब हम पकौड़े डालने शुरू करते हैं। इस तरह से हाथ में थोड़ा थोड़ा बैटर लेंगे और डालते जाएंगे। अब इसको पलट लेंगे, हल्की आंच पे पकौड़ों को हम बनाएंगे तो ये क्रिस्पी बनते हैं। तो पकौड़े अब बन चुके हैं भजिया हमारे, इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। 10 मिनट की बात होती है, गर्मा गर्म पकौड़े बन के रेडी हैं। अब इनको कर लेते हैं सर्व। बहुत ही अच्छे क्रिस्पी पकौड़े हमारे बन के रेडी हो चुके हैं। तो पकौड़े हो रहे हैं रेडी, चाय भी रेडी हो चुकी है, पकौड़ों को कर लेते हैं। तो गर्मा गर्म चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़े हो चुके हैं तैयार। तो आप भी बारिश के मौसम में आनंद लीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।